तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए। सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आ गए हो आप लोगों के पास और एक न्यू वायरल वीडियो रीटिंग लेके। गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि इस टाइप का वीडियो आजकल इंस्टाग्राम में भी बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाला हूं इस टाइप का वीडियो रीट करना, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। सो गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लेना, तभी गाइस मैंने जब भी कुछ इस टाइप का वायरल वीडियो रीट अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। गाइस, इस टाइप का वीडियो रीट करने के लिए एप्लीकेशन का जरूरत होगा। एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस, इसका प्रो वर्जन से तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, आप लोगों को इजीली डाउनलोड करना मिल जाएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेना। फिर गाइस, यहाँ पे जो नीचे प्लस वाले आइकॉन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके बाकी सबको ऐसे रहने देना। यहाँ पर गाइस बैकग्राउंड को आप लोगों को व्हाइट कर लेना, इसके ऊपर क्लिक करके उसको व्हाइट कर लेना। फिर गाइस आप लोगों को क्लिप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। अब गाइस यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन के ऊपर टैप करके यहाँ पर मीडिया में टैप करके यहाँ पर गाइस सबसे पहले व्हाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। और गाइस आप लोग कोई और लिरिक्स वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सारी लिरिक्स वीडियो मिल जाता है, व्हाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो लिख के सर्च कर देना, वहाँ पर बहुत सारे लिरिक्स वीडियो आ जाएगा, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो लिरिक्स वीडियो है जो इसके लेयर के ऊपर क्लिक कर देना एक बार। फिर गाइस आप लोगों को यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके उसको ऐसे नीचे लाना, ऐसे नीचे तक रख देना। इसको रख देने के बाद आप लोगों को ऐसे एक बार बैक से लेना, फिर से बैक से लेके अब गाइस यहाँ पर आप लोगों वीडियो के फर्स्ट पोजीशन तक चले जाना। फिर गाइस आप लोग प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करके यहाँ पर गाइस मीडिया में टैप करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेना, जो फोटो से इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली वही फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना। मैंने गाइस यहाँ पे एक फोटो ऐड कर लेती हूँ। फोटो ऐड हो जाने के बाद गाइस ऐसे एक बार बैक से लेना, बैक से लेने के बाद गाइस फोटो के लेयर को वीडियो के एंड तक कर देना, इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो एंड कर देना। कर देने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे शेप मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग एक बार स्क्रॉल कर देना। फिर गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो कॉर्नर पे ये वाली शेप दिख रहा है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर गाइस आप लोगों को यहाँ पर ये शेप के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर गाइस आप लोगों को साइज में दो ऑप्शन मिलेगा, एक है एक्स और एक वाई, आप लोगों को एक्स को रख देना है 400 और गाइस वाई के ऊपर क्लिक करके वाई को यहाँ पर रख लेना है 500। आप लोग सेटिंग को अच्छी तरीके से देख लेना मैंने कैसे कर रहा हूँ, एक्स को कर देना 400 और वाई को कर देना 500। फिर गाइस रेडियस के ऊपर क्लिक करके रेडियस को कर देना 80 तक, परफॉर्मेशन साइज को यहाँ पर कर लेना है 70 तक और गाइस यहाँ पर जो स्पेसिंग है इसको आप लोगों को रख लेना है 30 तक। फिर गाइस ऐसे एक बार बैक से लेना, फिर से बैक से लेके इसके लेयर के ऊपर क्लिक करके उसको वीडियो की लास्ट तक ले जाना। फिर गाइस आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये सब पूरे वीडियो में हो जाएगा। अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों लेयर को ऐसे टैप एंड होल्ड करके सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को ऊपर में सेंटर में ये वाली ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इसके ऊपर टैप कर लेना। फिर गाइस ये फोटो हमारे ये शेप में क्रॉप हो जाएगा। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो फोटो है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं होगा तो ग्रुप एंड मास्क के ऊपर क्लिक कर देना, एडिट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना। फिर गाइस यहाँ पर फोटो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके उसको आप लोगों को यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके उसको एडजस्ट कर लेना। मैंने कैसे पे थोड़े से एडजस्ट कर लेती हूँ, आप लोग देख लीजिए। फिर कैसे ऐसे बैग से लेना, फिर से बैग से लेके अब गाइस आप लोगों को फिर से बैग से लेना। अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप एंड मास्क के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को बॉर्डर एंड शेडो दिख रहा होगा सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर कैसे ऐड बॉर्डर पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को ऑफसेट पे ऊपर क्लिक कर देना। फिर कैसे यहाँ पर कलर को आप लोगों को कर लेना है ब्लैक और यहाँ पर साइज को कर लेना है 3 और गाइस शेडो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को शेडो को ऑन कर देना। ऑन करके यहाँ पर कलर को ब्लैक ही रहने देना। फिर गाइस साइज को यहाँ पर कर लेना 30 तक। कर लेने के बाद गाइस ऐसे बैक से लेना। अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो इफेक्ट वाले ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके एयर इफेक्ट में क्लिक कर देना। फिर गाइस ऊपर सर्च कर लेना OS लिख कर सर्च कर देना। फिर गाइस यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को ऑसिलेट वाली इफेक्ट, सिंपली इसको सिलेक्ट करके स्क्रीन सेटिंग कर लेना। फिर गाइस यहाँ पर एंगल को कर लेना 90 डिग्री और फ्रीक्वेंसी को कर लेना 0.25 और मैग्नीट्यूड को कर लेना यहाँ पर 20 तक। फिर गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो ये वाली एरो दिख रहा है सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। फिर गाइस ऐड इफेक्ट में क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर लेना आप लोगों को WA। फिर गाइस यहाँ पर टॉप में मिल जाएगा आप लोगों को वेब वार्प नाम से ये वाली इफेक्ट,
फिर गाइस इसको सिलेक्ट करके इस तरह से निकाल लेना। वेब वार्प के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक प्लस ऐड कर लेना। फिर गाइस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक चले जाना। फिर गाइस आप लोगों को यहाँ पर इसको रख देना है आप लोगों को 4.00 तक। एंगल को क्लिक करके एंगल को कर लेना है यहाँ पर 90 डिग्री, और स्पेसिंग को कर लेना है यहाँ पर 10.0 तक। फिर मैग्नीट्यूड को कर लेना है 2.0 तक। फिर गाइस ऐसे ब्रेक से लेना। अब गाइस आप लोगों को मैंने ये इफेक्ट दिखा देती हूँ कैसा हुआ हमारा, आप लोग देख लीजिए ये गाइस। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो ऊपर में इमोजी है इसको ऐड करने के लिए आप लोगों को प्लस वाले आइकन में क्लिक करके टेक्स्ट में क्लिक करके या फिर इमोजी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आप लोगों के हिसाब से इमोजी सेट कर लेना। मैंने गाइस इन 3 इमोजी सेट कर लिए है। फिर गाइस आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आप लोगों को मिडिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। फिर गाइस यहाँ पर आप लोगों को इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। कर देने के बाद इस ऊपर में टिक मार्क है, सिंपली इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर देना। फिर गाइस आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके इसको ऐसे ऊपर तक ले जाना और थोड़ा सा जूम कर देना। जूम कर देने के बाद गाइस मिडिल में एडजस्ट करके उसको एक बार बैक से लेके बॉर्डर एंड शैडो में क्लिक करके इसको शैडो को ऑन कर देना। ऑन कर देने के बाद गाइस इसे बैक से लेना। फिर से बैक से लेके आप गाइस यहाँ पर जो इमोजी वाले लेयर है इसको वीडियो की लास्ट तक ले जाके इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो एंड तक कर देना। कर देने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक XML लिंक दे दिया है, उसको डाउनलोड करके एलाइटमोशन में इनपुट करके आप लोगों को प्रोजेक्ट में क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड किया हुआ XML को यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर करके फिर से इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी 3 लेयर कर लेना। आप गाइस इसे बैक से ले जाना। फिर गाइस आप लोगों को जो वीडियो एडिट कर रहा था सिंपली इसके ऊपर चले जाके आप गाइस आप लोगों को फिर से इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट 3 लेयर कर देना। फिर गाइस वीडियो के लास्ट तक चले जाना। लास्ट तक चले जाने के बाद गाइस यहाँ पर जो हमारा ज्यादा वाले पार्ट है उसको कट करने के लिए इन 3 लेयर को टैप एंड होल्ड करके सिलेक्ट कर लेना। फिर गाइस आप लोगों को इसके ऊपर टैप कर देना। फिर गाइस ये ज्यादा वाले पार्ट कट हो जाएगा। आप गाइस यहाँ पर हमारा HRCC इफेक्ट ऐड हो गया है हमारे वीडियो में, आप लोग देख लीजिए गाइस। बहुत ही इजी इस टाइप का वीडियो एडिट करना। आप लोगों को मैंने एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ वीडियो कैसे हुआ हमारा। अब गाइस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करके गाइस आप लोगों को नीचे एक्सपोर्ट मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो को पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखना। फिर मिलता होगा और एक न्यू वायरल वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक लेता था, बाय बाय, जय हिंद।